हेलो गाइस, तो देखिए मैं सोई थी आज फिर से और मैं एक केक का इतनी ज़्यादा स्ट्रेस ले रही थी, इतनी ज़्यादा टेंशन में थी और उसकी वाइस ओवर की जस्ट वीडियो अपलोड ही की और अपलोड करके मैं सो गई। उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड का कॉल आता है, मेरा कॉल आता है, फिर से मैं उठती हूँ, फिर उनका कहना है कि फिर से केक बैक करो सरिता। अब भी बज रहे हैं, ये देखो अब भी बज रहे हैं 2:30। जल्दी जल्दी मैं स्पॉन्ज तैयार की, ये देखो अब भी जस्ट ओवन पे डाली हमारा, ये देखिए और अब बीच बैक हो रहा है। अभी 2 मिनट ही हुआ है मुझे इसे ओवन पे डाले हुए और ये देखो मैं सो कर उठी हूँ, मुँह तक नहीं धोई हूँ और मुझे बैक करना पड़ रहा है केक। और ये वही वाला केक है, पता है, रसमलाई वाला केक जो फर्स्ट टाइम ऑर्डर आया था। और उनके फर्स्ट बेटे का बर्थडे है, सेकेंड बेटे का बर्थडे है शायद, तो वो उतना देर से तो नहीं बोले, 2:30 बजे बोल रहे हैं। उस दिन भी वो 1:30 बजे बोले थे, ऑर्डर दिए थे। अब मुझे इतना जल्दी जल्दी बनाना है, फिर इससे मुझे व्हिपिंग क्रीम निकालना है, तो इतना जल्दी जल्दी फिर से ये करना पड़ेगा। और पता नहीं इस केक को मैं कौन सी कलर की किस तरह से डेकोरेट करूंगी, पता नहीं, क्योंकि सिंपल में जल्दी जल्दी वही आता है मेरे दिमाग में, वही इसी को। एक केक मेरा ऑर्डर का है, ये देखो ये अभी तक गया नहीं है और इसका मैंने वीडियो अभी अपलोड की है जस्ट। ये ना एलिफेंट वाला है, आप सबको ना फोटो साइट पे डालूंगी तो आप सब देखना। इसका वीडियो तो मैं अपलोड कर दी लेकिन वो केक अभी गया नहीं है, शाम को जाएगा। और आज है 5 दिसंबर है, हाँ आज 5 दिसंबर है। और मैं लेके आई हूँ ट्रोफोलाइट का ये क्रीम, इसे मैं जल्दी से फेंट लेती हूँ और जल्दी जल्दी मुझे काम करना है, तो चलो मिलते हैं। तो देखिए मैंने स्पॉन्ज तैयार कर लिए, बिल्कुल 3 बज रहे हैं, ये देखिए 3 बज रहे हैं, मैं स्पॉन्ज तैयार कर ली हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म है और मुझे इसे गर्म गर्म में ही काम करना पड़ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने 2 केक बनाए हैं, लेकिन इतनी हड़बड़ी में आती है ना, मुझे हड़बड़ी वाला केक पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों। तो ये देखिए मैंने इस तरह से, अभी गर्म है तो ये थोड़ी निकल नहीं रही है, देखते हैं क्या हाल होता है इसका। लेकिन गर्म में ना टूटने का बहुत डर रहता है, ये देखो इतना गर्म है ना कि निकल ही नहीं रहा है। ओ सिट, निकला निकला। तो ये देखिए इस तरह से हमारा स्पॉन्ज तैयार हो गया है। ये ना 1 पाउंड का हमारा ये केक बनने वाला है। कल उनको बहुत पसंद आया मेरा केक, तो उन्होंने ना आज फिर से ऑर्डर किए हैं। और गर्म में इतना दिक्कत होती है ना, मैं क्या बताऊँ। ये देखो कट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। अब मैं इसे कैसे कट करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इसे गर्म गर्म में ही काम करना पड़ेगा क्योंकि ये 9 किलोमीटर आगे जाएगा और ये ना बस से जाएगी, तो मुझे ना इसे सेट करने के लिए कम से कम 2 घंटा तो केक को ना देना ही पड़ता है सेट होने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से ना निकल आया और हम बहुत आराम से कट करेंगे। यही उल्टा पकड़ ली थी। ओ गॉड, इतना गर्म है, हे साईं बाबा जी, बस सही से कट जाए और सही से मेरा ना ये बन जाए। देखो इतना ज़्यादा, ओ गॉड, मुश्किल है यार गर्म में कट करना ना, बहुत मुश्किल लगता है। मेरा हाथ जल रहा है पता है, और इधर ना हो ही नहीं पा रहा है। उस दिन भी उसका केक मैं गरम गरम में बनाई थी है ना जी, और आज भी मैं ना केक गरम गरम में बना रही हूँ और इतना ज़्यादा डर लगा रहता है ना गरम गरम में बनाने में। ये कट से नहीं बनते, ये थोड़े से ये हो जाते हैं, ये देखो। और इसे पकड़ने के टाइम भी, ओ सिट, ये देखो इस तरह से ना टूटने लगता है गरम गरम में। अरे इतनी गरम है ना, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है, मुझे यहीं पे लाना पड़ेगा और ऐसे रखना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट लेयर कट गया, अब हम सेकंड लेयर कट करेंगे। ऊपर भी नहीं पकड़ पा रही, पता है इतना गरम है ये देखो। तिरछा गया ना मेरे से अभी, फोकस बेबी फोकस कहते हैं। तो ये देखो हमारा 3 लेयर बन गया एक यहाँ पे है। तो चलिए इसे आइसिंग करते हैं फटाफट से, ऊपर में रखूंगी। गाइस आज मैं बहुत खुश भी हूँ और बहुत उदास भी हूँ। तो सबसे पहले तो हम उदास वाली कहानी आप सबको बताना चाहेंगे, फिर हम ना हैप्पी वाला बताएंगे, खुशी वाला। तो आज ना मैं एक और केक बनाई थी, मतलब हाथी वाला। तो वो केक को जब ले गए ना कस्टमर, तो उनका कहना था कि इतना छोटा सा है, और हम मेरे हस्बैंड उनको बोले भी थे बड़ा सा बना लो, 650 तक अच्छा सा बन जाएगा 20 लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने 350 रेट इतना कम किए थे ना, वो आगे
मेरे भरने का नाम ही नहीं ले रहे थे, रेट के नाम से 350 भी बोल रहे थे। और उनके अभी इस मेहमान आए थे शायद, तो उन्होंने ना सेलिब्रेशन तो किया, मेरे पास उसका फोटोज वीडियोज भी आई, वही स्टेटस रखे थे, तो उनका सेलिब्रेशन बहुत अच्छा था। लेकिन ना केक को जब वो देखे तो उनको बहुत छोटा लगा, तो ना मेरे हस्बैंड उन्हें ना वेटिंग करके भी दिखाए, तो वो 600 ग्राम का था, और जब हम ना पुट्ठे सहित उसे वेट किए थे तो 700 ग्राम का आया, भाई 100 ग्राम ना पुट्ठे का आ गया था, तो 600 ग्राम का वेट था उसका। और ना वैसे 100 ग्राम एक्स्ट्रा ही था, क्योंकि 500 ग्राम का ना हमारा 1 पाउंड होता है और हमारा केक था 600 ग्राम का, फिर भी उनको बहुत छोटा सा लग रहा था, क्योंकि उनके मेहमान भी आए हुए थे। हम तो उनको पहले ही बोले थे कि आप बड़ा सा केक बना लो, लेकिन वो माने नहीं, तब क्या कर सकते हैं। लेकिन उनका केक बहुत अच्छा गया, सही से गया, तो मुझे खुशी भी हुई। लेकिन हाँ थोड़ी सी मैं उदास हो गई थी कि उनका केक मुझे और अच्छे से बनाना था, जो मेरे से बनते बनते बिगड़ा है, बिगड़ते बिगड़ते बना है। तो वाला वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दूँगी, आप सब जाकर जरूर देखना और कमेंट जरूर करना कि कौन सा वाला केक अच्छा था। उस केक को मैंने 3 बार से बनाया, बिगाड़ा और फिर से बनाया, तो इस तरह से वो केक बनाया। तो ये तो हो गई हमारी सैड स्टोरी, अब मैं अपनी हैप्पी वाला स्टोरी बताती हूँ। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, तो ये वाला जो केक आप जो देख रहे हैं ना, ये वाला केक ऐसा मिला, मैं उस दिन रसमलाई फ्लेवर्स का केक बनाई थी, ताज़ा रसमलाई तो यूज़ नहीं की थी, बस क्रश यूज़ की थी, और उनको वो क्रश इतना अच्छा लगा ना, और मेरे हस्बैंड ना 350 में उसे सेल कर दिए थे। रसमलाई केक थोड़ी महंगी आती है, वही साइज करेगा लेकिन थोड़ा सा महंगा जाता है, लेकिन उनको वो केक इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने 2 दिन बाद सेकेंड बच्चे का भी बर्थडे में उन्होंने ना हमसे 2:30 बजे ये केक बनवा रहे हैं, और वो ले जाएंगे दूसरे गाँव, 9 किलोमीटर आगे है यहाँ से मैनपुर से, और वो ले जाएंगे बस से। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, केक भी इतना डर लग रहा था ना कि मैं बना पाऊँगी कि नहीं, सेट हो पाएगा कि नहीं। उस दिन जब वो कॉल किए थे तो 1:30 बजे के थे, उस दिन मैं 1:30 बजे उनका केक आइसिंग की थी, और आज मैं कर रही हूँ 3 बजे, आधा घंटा में मैं केक आइसिंग कर देती हूँ। 3:30 का हमारा केक आइसिंग होकर ना फ्रिज पे रखाया रहता है, 5 बजे वो ले जाते हैं। तो जब वो कॉल किए थे केक बन गए क्या, सेट हो गया, तो हाँ मैं जब देखी तो सेट हो गया था, तो मैंने उसे ना डिलीवरी कर दी। तो ये देखिए अब उससे हम ना ये वाला केक, ये वही केक है, रसमलाई केक है ये, और इसमें क्रश यूज़ की हूँ, फ्रेश रसमलाई मैं नहीं यूज़ की हूँ। और मुझे इतनी दिक्कत आ रही थी, गरम गरम में मैं आइसिंग कर रही थी, क्रीम भी ऐसे निकल जा रहा था, चिकना होने में बहुत मुश्किलें आ रही थी, लेकिन मुझे ये केक ना जल्दी से जल्दी फ्रिज पे रखना था। और गरम में जब हम काम करते हैं तो बेकर्स को पता होगा बहुत मुश्किल जाता है, तो मैं जैसे तैसे ना चिकना करने पे ध्यान नहीं दी, और जो क्रीम मेरे पास बचा था नेक्स्ट केक का, जो एलिफेंट वाला मैं केक बनाई थी, मैं ना वेस्ट नहीं करना चाहती थी और कलर नहीं यूज़ करना चाहती थी, तो मैं ना पिंक ही कलर का बॉर्डर से लगा दी इस क्रीम, बहुत सारा बच गए थे मेरे, और ऊपर पर भी मेरे को खाली खाली लग रहा था, ऊपर पर भी मैं पिंक कलर का बॉर्डर से बना दी। और थोड़ा एक दिन पहले केक ऑर्डर मिलता या 10-11 बजे मिलता तो कुछ ना डिज़ाइन सोचने का ना मौका ही मिलता। मुझे ये केक का ऑर्डर 3 बजे आइसिंग कर रही हूँ, 4-5 बजे उसे ले जाना है, तो सेट होने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना फ्रिज पे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से आइसिंग कर दी, और इस तरह से मैं डेकोरेशन कर दी। उसके बाद मुझे खाली सा लगता है, मेरे हस्बैंड सजेशन करते हैं इस पे रोज़ बना कर रख दो, बहुत प्यारा लगेगा। फिर मैं 3 रोज़ बिठाती हूँ इसके ऊपर, बहुत प्यारा लगता है, और रेड कलर का ना मेरे पास हार्ट रहता है, तो मैं उसे भी अभी लगाऊंगी, आप सब देखना लास्ट तक वीडियो, और ये केक कैसा लगा ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और मुझे सच में बहुत खुशी है कि उनको हमारा ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आई, और ऐसी हमारा बिजनेस बढ़ता रहे। मेरी कामना है कि आप सब प्लीज़ हमसे केक ऑर्डर करिए। और ये केक की वेट की बात करें तो ये भी 600 ग्राम का चला गया था, 1 पाउंड का केक है, तो मेरे पास जो केक ऑर्डर्स करते हैं ना उसे 100 ग्राम एक्स्ट्रा ही मिलता है। बेकरी का हम केक देखेंगे बहुत छोटा सा रहता है, हाइट भी कम रहता है, लेकिन मेरे केक का देखेंगे ना हाइट थोड़ा सा ऊपर रहता है। और टेस्ट की बात करें तो टेस्ट भी बहुत अच्छी लाजवाब रहती है, और कस्टमर ने मुझे सेकेंड दिन ही मुझे ना फिर से रसमलाई केक का ही ऑर्डर किए थे। मेरे हस्बैंड बोले थे रसमलाई थोड़ी महंगी आती है यार, दूसरा ऑर्डर करवा लो, लेकिन ना वो बोले थे नहीं हमको यही केक चाहिए जो आप हमें फर्स्ट बार दिए थे, हमें वही केक दो, बहुत अच्छा लगा था करके। तो क्या करूँ मैं, फिर से कस्टमर को खुश करने के लिए हमने वही रेंज पर उनके लिए रसमलाई क्रश यूज़ करके इस तरह से ना रसमलाई केक बनाई है। तो
देखो 3:30 बज रहे हैं और आधा घंटे में हमारा केक तैयार हो गया। मैं ऊपर से कपड़ा निकाल कर भी आ गई और अब बारी है सारा चीज़ को समेटने का। ये देखो कैसे फैला रहता है बर्तन किचन पे भी, तो मैं वो सब काम करूँगी, थोड़ा देर बाद आपसे आकर बात करती हूँ। तो फिर ये देखिए हमारा केक का फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया। मैंने साइड साइड पे हार्ट चिपका दिए, बहुत प्यारा लग रहा था कलर इनकी, और रोज़ भी बहुत प्यारा बना था। ये फर्स्ट टाइम है जो रोज़ मेरे से इतने अच्छे बने हैं। अब मेरे ना रोज़ बनाने में ना इम्प्रूवमेंट आ रही है। आप सब कमेंट करके बताना कि पहले के रोज़ अच्छे बनते हैं या अभी के। मेरे को लगता है अब ज़्यादा अच्छे इम्प्रूवमेंट मेरे में आई है बनाते बनाते, और अच्छा हम ऐसे ही बनाते रहेंगे। तो प्लीज़ आप मैनपुर से हैं तो हमें केक ऑर्डर करिए ना यार, प्लीज़ हमारा बिजनेस बढ़ा दीजिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।